ये आदत तो जब बचपन से हो जाती है, फिर चाहे वो छोटी छोटी बात में झूठ बोलना भी क्यों ना हो, छोटी छोटी बात में सब बातों को छुपाना ही क्यों ना हो, ये सारी चीज हमें बचपन से हो जाती है ना, तब हम गलत नहीं करें, हमको पता ही नहीं हम क्या करें। हम अगर झूठ भी बोल रहे हैं, अगर हम किसी को कुछ किसी से सब छुपा, हमें 2 टॉफी मिली है, हम खाकर बैठे हैं, फिर भी कोई पूछेगा आज तूने टॉफी खाई, हम मना कर देंगे नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने खाई। तो ये स्मार्टनेस होती है बचपन में। पेरेंट भी कभी कभी कहते हैं, देखो मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, उसको उसको सब चीज पहले से ही समझ में आ जाती है। ऐसा बोल बोल के हमें इतनी उसकी हवा मिलती है। आप जैसे मैं कुछ ऐसे शब्दों का यूज करूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। आप अगर कोई बीज रोपते हो ना, तो उसको हवा, पानी, खाद, ये सब चीज दी जाती। एक बीज को पहले खाद में ही, जमीन में ही डाटा जाता है, उसको पानी दिया जाता है, उसके बाद उसको हवा मिलती है, धूप मिलती है, हवा मिलती है, धूप मिलती है, ऊपर से बारिश का पानी भी मिल जाता है। अगर बारिश का नहीं तो शुरू शुरू में आप भी उसको पानी पिलाओगे। ये सारी चीज हमने अपनी आदतों को भी बचपन में दी, बचपन में अनजाने में दी, जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, तब हमको कुछ आधा पता भी नहीं था, या हमें किसी ने रोका नहीं था। 2 चीजें, हमें किसी ने रोका भी नहीं, या किसी को पता ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वो हमको रोकेगा। ये सारी चीजें इकट्ठी हो के अब वो घटादार वृक्ष बन चुका है। बड़े होने के बाद आप वृक्ष को, उसके पत्ते काटोगे तो भी उसके जड़ तो चालू ही रहेगी। जब तक उसको जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा ना, इस संस्कार को, हमें जो आदत पड़ चुकी है उसे अगर हमने जड़ से खत्म नहीं किया ना, तब तक तो हमारे अंदर से वो आदत जाएगी नहीं। अब कितनी भी उसको ऊपर से सोफिस्टिकेट करने की, उसको ढकने की, उसको दबाने की, या आप अच्छे अच्छे लग रहे, अच्छे हो बाहर से हो, लेकिन भीतर से आपको वापस वही चीज फिर से फन मार के खड़ी हो जाती। तो ये उसका फन मारना, बाद कभी कभी चीज को, बात को वापस खड़ा होना, अगर इस चीज से आप अगर बचना चाहते हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वृक्ष को जड़ से हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जड़ से नहीं हटाओगे, आप कुछ पत्ते ही तोड़ोगे, आप कुछ फल ही तोड़ोगे, तो 1 साल बाद वो वापस उग जाएगा। आपने कहीं उसको आधा वृक्ष भी तोड़ के रख दिया ना, तो भी 1-2 साल उसके बाद वापस सारी की सारी पत्तियां, शाखाएं सब वापस आ जाएगी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमने कहीं से इसको दबाने की कोशिश की, या ऊपर ऊपर से अच्छे बनने की कोशिश की, है ना। थोड़ा वृक्ष काटने का मतलब क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा अच्छे बनने की कोशिश करें। कुछ समय तक आप रह पाओगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन उसके बाद वापस वही शाखा भी उग जाएगी, पत्तियां भी उग जाएगी, फल भी उग जाएंगे, और वही विषैले फल आएंगे, क्योंकि आपने मूल से तो उसको उखाड़ा नहीं। इसको मूल से बदलना पड़ेगा, और मूल से आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ साल लगेंगे, लेकिन आपके जो भी संस्कार जो दिमाग में आ गए हैं, जो आत्मा में आ गए, जो आपके विचार में वो आ गए हैं, थॉट प्रोसेस का मतलब ही यही कि हम हमारे विचारों को पूरी तरह से बदले। आप अपने दिमाग में रहे ऐसे सारे 10 संस्कार, में फिर से नाम ले रही हूं, रोज लूंगी, जब भी ये टॉपिक चलेगा मैं नाम लूंगी, क्योंकि नाम तभी आपको जबानी याद आ जाएगा। वो सारे नाम है, आहार, खाना पीना, फिर भय, डर लगना, उसके बाद है मैथुन, संबंध, स्त्री पुरुष के बीच का जो संबंध है वो, उसके बाद है परिग्रह, हर चीज को इकट्ठा करो, लोभ करो, लालच करो, कि भी कितने भी चीज आपके पास हो उससे संतुष्ट नहीं होना, उसका ही नाम है परिग्रह। उसके बाद है गुस्सा करना, क्रोध करना, उसके बाद है माया, चीटिंग, बात क्या है और क्या करके बता रहे हो, और माया करना। उसके बाद है मान, अहंकार, अभिमान, किसी भी चीज मैंने ही की, मेरे बगैर ये कोई कर नहीं पाएगा, अगर मैं नहीं होता तो ये काम ही नहीं होता, इस चीज का हमें अभिमान करना। उसके बाद है सामान्य, जनरल ज्ञान, जनरल नॉलेज, बात बात में हर किसी को शिखामण देने के लिए बैठना, ये सबसे पुराने और गहरा संस्कार है, क्योंकि
जब कोई चीज के लिए अगर हमें कोई लेना देना ही नहीं है, उसे हमें कोई सरोकारी नहीं है उस चीज के, आज भी देखो, आज आपको पता है आज कोविड है, कोविड-19 है, और बीमारी से बचने की सलाह आप किसी को दे सकते हो क्योंकि वो वर्तमान में है। अगर वो नहीं है, और आज अगर आप किसी को अगर कोई हम ये बोले कि भी फॉरेन जाना है तो आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, अगर आपके घर में बहू आ जाए शादी करने के बाद तो उसके साथ आपको ऐसे रिलेशन रखना है, ऐसे रिलेशन रखने, ये सारी चीज आपको जरूरत नहीं है। कोई कभी कभी कोई कोई बातें ऐसी होती है कि जिसको बोलने की हमको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उस चीजों की शिखामन देने से या बात बताने से या लोगों से डिस्कस करने से हम लोग बाज नहीं आते। तो इसको सामान्य ज्ञान की संस्कार बोले गए हैं, सामान्य जनरल नॉलेज, कि भी सब्जी ऐसे काटो, ऐसे मत काटो। आप किसी घर में आप नई नई बहू आई है, आप उसको ये बोलोगे दिन में 4 बार कि भी ऐसे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसी सब्जी नहीं काटी जाती, ऐसी सब्जी काटी जाती, ऐसी रोटी नहीं उतर जाती, ऐसी रोटी उतर जाती, तो उसको 2 महीने के बाद ही आपकी एक भी बात अच्छी नहीं लगेगी, एक भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सब्जी काटने का कोई एक तरीका नहीं होता, सब्जी काटने के तो आपको 15 तरीके मिलेंगे, रोटी बनाने के भी आपको 10 तरीके मिलेंगे, पर वो उसको ये तरीके से बना रही है तो उसको भी आप खुद नया सीख लो, आप खुद एंजॉय करो उसके नए नए तरीके को, लेकिन उसकी जगह आप उसको ही सलाह देने बैठ जाओ, आप उसको उसकी आदतों को बदलने की कोशिश करोगे, अगला 4 बार सुनेगा, 5वीं बार नहीं सुनेगा। तो ये सब चीजों को हमें समझना चाहिए। उसके बाद आती है विशिष्ट संज्ञा, विशिष्ट संज्ञा तो इससे भी बुरी बात, क्योंकि विशिष्ट संज्ञा में विशिष्ट नॉलेज होता है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, और उसमें ये शायद सामान्य में तो आपको रोज बरोज आपके आसपास की व्यक्तियों में ये चेंजेस दिखेगा, विशिष्ट में तो आपके आसपास वो व्यक्ति भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप बड़ी बड़ी सलाह देने से, सूचन देने से, ये सब चीज से बाहर आते ही नहीं। ये संस्कार है ना, ये संस्कार हमें हमारे ही तरीकों से पूरा उल्टा लेके जाएगा, तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी, हमें इन संस्कारों से बाहर भी आना पड़ेगा, और इन संस्कारों के साथ रहते रहते हमें अपने ही तरीकों में बदलाव भी लाना पड़ेगा। अब हम आगे हमारा टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक है थॉट प्रोसेस। किसी भी चीज को विचार सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, हमने लास्ट क्लास में ये चीज सुनी, जो लोग आए थे उनको तो पता था, जो नहीं आए थे उनको 2 मिनट थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोई भी कार्य 3 प्रोसेस में होता है, 3 प्रोसेस लगते हैं उसमें। सबसे पहला है थॉट प्रोसेस, कि आप सोचो, सबसे पहले तो उस कार्य की इच्छा प्रकट करो, इच्छा प्रकट करने के बाद आप उसको विचारों में लाओ या शब्दों में लाओ या किसी को ये बताओ, आप किसी को कहो कि भाई मुझे ये काम करना है, आप अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को, आप अपने ऑफिस के लोगों को, जिनसे ये काम रिलेटेड आप उनको बताओ इकट्ठा करके, ये आपका दूसरा प्रोसेस हुआ, जो वचन से होता है, बोलने से भी शब्द ही आएंगे, लिखने में भी शब्द ही आएंगे, सुनने में भी शब्द आएंगे, हर चीज बोलना लिखना सुनना वो शब्द के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो शब्द प्रोसेस अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। थॉट प्रोसेस में आप कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, ना करते हो ना बोलते हो, नहीं कुछ, थॉट प्रोसेस सिर्फ आप तक ही सीमित है, सिर्फ मेरे अकेले तक सीमित है, लेकिन शब्द प्रोसेस कम से कम 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों के साथ वो होता है, कम से कम 2, क्योंकि 2 व्यक्ति के बीच में तो ये आपले होगी होगी, है ना, शब्द के साथ भी आपकी आपले हो सकती है। आप अकेले भी अगर कोई प्लान करो तो पेपर पे तो लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि शब्द तो ऐसे ही बाहर आएंगे। उसके बाद है तीसरा प्रोसेस, है जब तक वो कार्य शुरू ना किया जाए, पूरा की बात मैं नहीं करूंगी, कार्य शुरू कर दिया मतलब ये कार्य हो गया, आपने शुरू कर लिया मतलब हो गया। मैं यहां से सूरत जाना चाहती हूं, मैंने घर में बोला कि, पहले तो मैंने सोचा कि मैं कल सूरत जाऊंगी,
तो ये मेरा पहला प्रोसेस हुआ कि मैंने सोचा। दूसरा प्रोसेस ये हुआ, मैंने घर वालों को बोला कि भी मेरी टिकट करा दो आप, तो उन लोगों ने जैसे ही कंप्यूटर से या फोन से टिकट बुक कर ली। ये हुआ मेरा दूसरा प्रोसेस। अब जब तक मैं, चार दिन बाद मेरी टिकट है, चार दिन तक मैं जाऊंगी नहीं, तब तक तीसरा प्रोसेस शुरू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर बैग लेके कदम रखा, जिस किसी का भी फोन आएगा, क्या कर रही है, मैं वही बोलूंगी मैं सूरत जा रही, चाहे मैं गई नहीं, पहुंची भी नहीं, ट्रेन में भी बैठी नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी क्या, मैं जा रही। मतलब मैंने ये मेरी यात्रा शुरू कर ली। अब वहां से जाके आप ट्रेन में बैठो, पहुंचो, वो तो पहुंचोगे ही पहुंचो, क्योंकि आपने यात्रा शुरू कर ली। तो शुरू कर लिया ना, जैसे ही थर्ड प्रोसेस आपने अपने शरीर से, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप सिर्फ इतना सोचो, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है उसमें एनर्जी यूज हो रही है। सभी एनर्जी को हम देखेंगे कि क्या क्या एनर्जी यूज हुई और वो एनर्जी को हमने कहां कहां से लिया। देखो एक बात समझनी है, साइंटिफिकली आप किसी भी प्रोसेस के लिए उससे रिलेटेड एनर्जी लिए बगैर कोई भी कार्य होता नहीं है। अगर मुझे सोचना भी होगा ना, तो मुझे उसकी एनर्जी जो बाहर ब्रह्मांड में है उसको मुझे खींचना पड़ेगा। और इसीलिए जागा हुआ इंसान ही सोच सकता है, सोया हुआ या मरा हुआ इंसान कुछ भी नहीं सोच सकता। अगर कोई इंसान सो रहा है गहरी नींद में तो भी वो कुछ नहीं सोच सकता। अगर कोई इंसान मेंटली डफेंडम है, या मेंटली डफेंडम तो नहीं कह सकते उसको, मेंटल रिटायर्ड है, तो वो भी कुछ नहीं सोच सकता, क्योंकि उसमें सोचने की कैपेसिटी नहीं है। तो सोचना उसी से पॉसिबल है जो इंसान ब्रह्मांड से सोचने की एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। और उसको कंज्यूम करने के लिए आपको जागृत अवस्था चाहिए। इसलिए आप ये कह दो कि मैंने कब सोचा, मुझे पता ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं। कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हो या आपने शुरू किया, तो उससे पहले आपने उसके बारे में सोचा। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना, सोचना, वो सबसे ज्यादा महत्व का है। क्योंकि कोई भी कार्य होगा ना, वो आपकी सोच के ऊपर ही पूरा होगा। जैसे कि आप अगर कोई वो हम ये बोलते हैं ना उसको, बावड़ के कांटे होते हैं, थोर के कांटे जो आप खेतर में देखते हो, बाहर की बॉर्डर पे थोर के कांटे उगाए। अगर आपने ये सोचा कि ये थोर के कांटे मुझे बॉर्डर पे उगाने हैं, तो आपको सोचने से ही उसका फल पता है कि मुझे ये बॉर्डर पे थोर के कांटे में अगर लगाऊं, तो कोई भी गाय कोई भी जानवर मेरे खेतर में घुसेंगे नहीं, और वो ना घुसे, मेरा पाक नष्ट ना करे, मेरी सब्जी जो भी उग रही है वो खा ना जाए, उसके लिए मुझे ऐसी थोर के ही कांटे बॉर्डर बना के उगाने चाहिए। ये पहले आप सोचोगे तो आपके सोचने में उसका रिजल्ट मौजूद है। आपने जैसे सोच लिया कि मुझे थोर के कांटे उगाने चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जानवर अंदर जाए और मेरी खेती को बिगाड़े, तो उसमें आपका फल है कि आपने अगर थोर के कांटे लगाए तो जानवर भी अंदर नहीं जा पाएगा, उसको लगेगा, उसको खून निकलेगा, और वो खून निकलेगा इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा, वो सीधा बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो थॉट प्रोसेस है ना, वो पूरा एक कार्य है, फल के साथ है। जैसे हम बोलते कर्मण्ये वाधिकारस्ते, या फिर कर्म ग्रंथ, वो यही कहता है कि आप जो कार्य शुरू कर रहे हो वो कार्य का फल आपने सोच ही लिया है, उसके बाद ही शुरू कर रहे हो। बिना फल ऐसे आंख बंद करके आप कोई कार्य नहीं करोगे। अगर ऐसा होता ना, तो वो जो बावड़ के कांटे हैं ना, वो आप बॉर्डर पे नहीं उगाते, आप बीच में डाल देते। आपको बिना सोचे कुछ भी करना है, तो आप जो बीच में गेहूं उगाने वाले थे या सब्जी के पेड़ उगाने वाले थे, उसकी जगह आप वही थोर के कांटे ही पूरे खेतर में बीच में डाल दोगे। ये होगा बिना सोचे समझे का काम।
ऐसा तो कोई नहीं करता, ऐसा वो ही कर सकता है जिनका दिमाग नहीं चलता। तो आप जब सोचते हो, आपकी विचार एनर्जी, आपका विचार शरीर, आप जब सोचते हो तब आप बुद्धि शरीर भी साथ में है, मन शरीर भी साथ में है, सोच में ही तीन तीन एनर्जी साथ में, ये तीन एनर्जी साथ में मिलके सोचती है। इसलिए सोचना आपका सीमेंट कंक्रीट की तरह स्ट्रांग होता है। कार्य करने में कभी आप ढीले हो सकते हो, लेकिन जो आपने सोचा उसका वन बाय वन स्टेप वाइज आप सोचोगे, उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू करोगे। अगर आपका कार्य चार स्टेज में होने वाला है, एक महीने बाद, दो महीने बाद, एक महीने तक इतना कार्य, दो महीने तक दूसरे चार कार्य उसमें ज्वाइंट होंगे, तीन महीने बाद दूसरे चार लोग उसमें ज्वाइंट होंगे, चार महीने बाद पूरे आपकी कंपनी के 30 लोग है वो मिलके काम करेंगे, तो आप सोचोगे तब भी स्टेप बाय स्टेप ही जाओगे। इसीलिए थॉट एनर्जी को सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। हमारी सभी जो 6 की 6 एनर्जी है ना इस जन्म की, 6 की 6 एनर्जी, वो 6 की 6 एनर्जी में सबसे बलवान अगर कोई एनर्जी है तो वो है हमारी विचार शक्ति। वो इतनी स्ट्रांग है कि आप बहुत बड़े से बड़े बुरे ख्याल भी आप सोच सकते हो। आप ऐसा भी सोच सकते हो जो कभी होने वाला भी नहीं है। आप किसी को बिना जरूरी, मैं बिना जरूरी कहूंगी, जरूरी हो और आप बोलो अलग बात है, लेकिन बिना जरूरी भी किसी को भी डांट सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, किसी को भी खत्म भी कर सकते हो। आप अपनी सोच में, अपनी सोच में दिन में पता नहीं कितने लोगों को, मेरा बस चले तो मैं इसको मार दूं, मेरा बस चले तो मैं इसको मार दूं, मारा नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने सोच में उसको मार देते। अब आप इतना सोचो सिर्फ कि जो एनर्जी 3 गुना काम कर रही है वो अगर आपने नेगेटिव सोच के उसको बढ़ा दी तो आपके दिमाग की क्या हालत हो सकती है। थॉट एनर्जी 3 गुना काम कर रही है और हम दिन में 4 बार किसी को मार दे, खत्म कर दे कि मेरा बस चले तो मैं इसका खून कर दूं, मेरा बस चले तो मैं इसका खून कर दूं। आप दिन में 25 बार अगर ये शब्द बोल दो, हालांकि आपने उसको एक चूटी तक नहीं लगाई, लेकिन आप बोल बोल के, सोच सोच के, सोचते भी रहे हो बोल भी रहे हो, मतलब क्या हुआ, आपके सारे शरीर काम कर रहे हैं, आपके तीनों शरीर काम कर रहे हैं, मन भी काम कर रहा है, वचन भी काम कर रहा है, काया भी काम कर रही है, क्योंकि आप बोल भी रहे हो। बोलने में ही वचन और काया दोनों चीज आ गई, लिखने में भी वचन और काया दोनों। इसीलिए जैसे ही आप शुरू करोगे ना, आप जैसे ही शुरू करोगे ना वो काम, वो पूरा ही माना जाएगा, चाहे मैंने शुरू ही किया है, क्योंकि मेरे मन वचन काया तीनों आ गए। अगर मैं बोलूंगी कि मैं इसको मार डालूंगी, मैं इसको मार डालूंगी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको मार दूं, मैंने मुंह से ही बोला ना, ये तो शब्द तो बोले वो वचन है, लेकिन मेरे मुंह से वो बोला गया, वो मेरा शरीर हो गया, तो मेरा तो ये कार्य खत्म हो गया। मैंने बैड एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, नेगेटिव एनर्जी मेरे दिमाग में आ गई, मेरे संस्कार में आ गई। सिर्फ सोचने से ही हम नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप खाली सोच नहीं रहे हो, सोच के साथ बोल भी रहे हो, सोच के साथ किसी को बता भी रहे हो। तो ये नेगेटिविटी या ये नेगेटिव एनर्जी जो जो आप अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो,
आपके दिमाग के किस कोने में डालोगे उसको। और दूसरी बात, आपको तो पता ही नहीं, आपको मालूम भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आपको ये पता भी नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए बुरा बोलने की वजह से आप खुद बुरे बनते जा रहे हो, बुरे ही बनते जा रहे हो। उसने तो किया होगा जो बुरा किया होगा, उसने किया है और वो बुरा है, आप बिना किए बुरा हो रहे। उसको तो मिलेगी सजा, तो मानेगा वो कि चलो भाई मैंने तो सजा भुगतनी है, वो मैंने किया है, मैं भुगत रहा हूं। आप, हम कभी कभी बोलते हैं ना, मैंने कुछ नहीं किया इस जन्म में, फिर भी मुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है। ये शब्द तो आप कम से कम 1000 लोगों के मुंह से सुनोगे कि जो सजा या जो मेरे साथ कर्म का फल मैं भुगत रहा हूं, ऐसा तो मैंने इस जन्म में कुछ किया ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने इतना बुरा किया होगा जो बुरा मेरे साथ हो रहा है। आपने ऐसा बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो जो उसने सोचा, सोचने के बाद मुंह से बोला, या जो गुस्सा उसने मुंह से, हम ये सोचते हैं कि गुस्सा अंदर नहीं रखना चाहिए, बाहर निकल देना चाहिए। अगर किसी के ऊपर गुस्सा आया तो उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट बोल के सारा अपना दिमाग खाली कर लेना चाहिए। गलत तरीका है ये। ये खाली करना सिर्फ आपके दिमाग में, जो हम बोलते हैं ना, वो ब्लास्ट ना होने से सिर्फ आप अपने दिमाग को बचा रहे हो बस, कि आपने अपना गुस्सा खाली कर दिया, अपने अंदर भर के नहीं रखा है। उतना सिर्फ आपके शरीर को डैमेज होते, हेल्थ को डैमेज होते बचा है, और कुछ नहीं किया। लेकिन बोलने के बाद तो आपने वो काम कंफर्म कर लिया, जो मन वचन का है, 3 स्टेज से जो काम पूरा होता है ना, वो काम आपने बोल के पूरा कर लिया। अब आप वो नहीं करोगे ना, तो भी आपने काम कर दिया। तो ये तो आपने ना कुछ किया फिर भी सजा भुगतनी। आप ये नहीं सोचो कि मैंने कुछ नहीं किया है तो मैंने तो ये गुनाह किया ही नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी, मतलब अगर हम नॉनवेज नहीं भी खा रहे हैं ना, तो भी अगर कोई उसको जो खा रहा होगा या जो उसके साथ जो व्यवहार कर रहा होगा, उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये सारा हमको नहीं सोचना चाहिए। हम सोचते भी है, हम बोलते भी है, हम सारी चीज कर लेते हैं।